हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिल्पा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्टडी मेंटर शिल्पा ओके। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो प्रीलियम्स एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट तो आउट हो चुका है, ये तो आपको सभी को पता ही है। उसकी रोल नंबर की लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन अब इसका स्कोर कार्ड भी आउट हो चुका है, ठीक है, और इसका प्रीलियम्स का कट ऑफ भी उन्होंने मेंशन किया है। सो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कैटेगरी वाइज क्या सेक्शनल कट ऑफ रहा, ठीक है। सो देखिए, एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का कट ऑफ है 17.75, रीजनिंग के लिए है 9 मार्क्स एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए है 13.75 मार्क्स, ठीक है। एंड ईडब्ल्यूएस एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है 21.25 इन इंग्लिश, 14.50 इन रीजनिंग एंड 18.75 इन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है। अब बात करेंगे स्टेट वाइज कट ऑफ की, तो ठीक है, इस बार आप देखेंगे कि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई गया है, ठीक है। सभी स्टेट में आप देखेंगे तो कट ऑफ बहुत ही हाई गया है, ठीक है। सो सबसे पहले तो देखेंगे कि स्टेट वाइज क्या गया है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पर, तो सबसे कम जो है मतलब 90 से नीचे जो कट ऑफ है वो सिर्फ मिज़ोरम का गया है, बाकी तो सारे स्टेट में बहुत ही ज़्यादा गया है, ठीक है। सो डेफिनेटली वैकेंसी कम होने से ऐसा हुआ है। अब बात करेंगे मेरे रिज़ल्ट के बारे में, तो मेरा इसमें मेंस के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। सो इंग्लिश में मेरे मार्क्स है 27.5 आउट ऑफ 30 एंड रीजनिंग में मुझे मिले हैं 23 मार्क्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में मिले हैं 27 मार्क्स, ठीक है। सो ओवरऑल जो मुझे 100 आउट ऑफ मिले हैं वो है 77.5 मार्क्स, ठीक है। सो अब तो मुझे याद नहीं है कि मैंने एक्चुअल में कितने सॉल्व किए थे, पर शायद मैंने 80 या 81 ही सॉल्व किए थे, ठीक है। सो डेफिनेटली मुझे उसी टाइम पता चल गया था कि मेरा सिलेक्शन तो मेंस के लिए नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने एक पज़ल जो है वो गलती से 2 टाइम्स मतलब गलत रीड करने से मेरा वो टाइम वहाँ पर चला गया, तो पेपर वहीं पे फिर ख़राब हो गया, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर मेंस एग्ज़ाम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।